पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस के प्रत्याशी भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने देश की तरक्की के लिए एक शानदार घोषणा पत्र लेकर आई है। उन्होंने कहा, मैं गांव-गांव जा रहा हूं, कांग्रेस की हर घोषणा पर जनता उत्साहित है और अपना पूरा भरोसा जता रही है। दूसरी तरफ भाजपा के जुमला पत्र पर जनता को भरोसा नहीं है। पहले चरण के चुनाव के बाद भाजपा को अपनी हार का अंदेशा हो चुका है, इसलिए अनाप शनाप चीजें आम सभा में बोल रहे हैं। इनके शासन काल में सिर्फ नफरत और सामाजिक असमानता फैली है। नमस्कार। कांग्रेस पार्टी देश की तरक्की के लिए एक शानदार घोषणा पत्र लेकर आई है। मैं गांव गांव जा रहा हूं, कांग्रेस की हर गारंटी पर जनता बहुत उत्साहित है और अपना पूरा भरोसा जता रही है। युवा, किसान, महिला सहित सामाजिक न्याय के लिए शानदार घोषणाएं हमने की है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी के पास अब कहने को कुछ नहीं है। भाजपा को भाजपा के जुमला पत्र पर जनता का भरोसा नहीं रही। पहले चरण के चुनाव के बाद उनको अपनी हार का अंदेशा हो चुका है, इसलिए अनाप शनाप चीजें अपनी सभाओं में बोल रहे हैं। इनके शासनकाल में सिर्फ नफरत और सामाजिक असमानता फैली है। महंगाई और बेरोजगारी का बोलबाला है। गरीब अधिक गरीब और अमीर होता चला गया है। इसलिए कांग्रेस पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। गारंटियों के बारे में जनता को बताएं और कांग्रेस इंडिया गठबंधन को जिताएं।